क्वेश्चन नंबर 2 का 2, काम क्या करना है उससे हमको बहस नहीं है, मेरा काम यही क्वेश्चन बना देना है। अब ये पूछोगे कसीदों का काम क्या है, तो पता नहीं है। कसीदों का काम हो सकता है कि वो महिला लोग या पुरुष लोग जो भी कपड़ा पे जो बुनाई नहीं करते हैं, कुछ डिजाइन बनाते हैं, उसको बोला जा सकता है कसीदों का कार्य मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि इस मीनिंग से कोई लेना देना क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है अभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए। 2 महिला एवं 5 पुरुष, ये क्वेश्चन जनरली बच्चा नहीं बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता जानेंगे आगे, कि 2 महिला एवं 5 पुरुष कोई काम है कसीदों का काम 4 दिन में पूरा कर देती है, ठीक है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष किसी काम को लगाते हैं 3 दिन। तो ये हमें बताना है कि अकेली महिला और अकेले पुरुष रहते तो इस काम को कितना दिन में कर पाते। तो निकालना क्या है, अकेली महिला मतलब एक महिला, तो हम लोग जो निकालना होता है उसी को तो मान लेते हैं। माना कि मुश्किल बड़ी है, क्वेश्चन हम लोगों के सामने पड़ी है, तो माना कि एक महिला द्वारा, एक महिला द्वारा कसीदे के कार्य को करने में लगा समय या लगा दिन, करने में लगा दिन ही मान के चलते हैं, बराबर एक्स दिन लगा, दिन बराबर एक्स दिन लगा उसको, समझ आ रहा बात। जबकि एक महिला के जगह पर पुरुष काम करता, पुरुष कार्य करता यही कार्य, तो उसको समय लगता वाई दिन। कितना लगता वाई दिन, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं दिक्कत है, एक एक का ये काम है। अब देखो एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी, क्वेश्चन आता है, एक महिला काम करने में लगा दी एक से दिन, तो एक दिन में कितना काम पूरा की वो ना? तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य वर्क डन वन डेज में वन वोमेन ना, तो क्या हो जाएगा, तो 1/x होगा, 1/ क्या होगा, x होगा, ठीक है। क्योंकि ध्यान समझना, यहाँ पे एक महिला द्वारा कसीदे के कार्य को करने में लगा दी, एक महिला काम कर रही थी अकेले, तो एक दिन लगा रही थी उस काम को करने में, ध्यान समझना, एक दिन लगा रही थी काम को करने में, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगी, तो बट्टे ना करेगी, जितना काम होगा उसको उसका भागा ही ना करेगी, समझ ले बात को ना, पूरा काम ना कर पाएगी एक दिन में, तो एक काम का कितना भाग कर पाएगी, तो 1/x, समझ में आया बात, समझ आया बात। अब देखो एक देखो क्या, तो एक दिन में महिला कितनी, 2, अगर 2 होती तो काम कितना खिंचाता, तो 2/x खिंचाता, 2 गुने करते ना, लेमन जूस वाला क्वेश्चन ना। इसी प्रकार अगर हम बात करते पुरुष का, किसका बात करते, पुरुष का, तो एक दिन में एक पुरुष, सेम कहानी, तो 1/y, कितना पुरुष, 5, एक दिन में 5 पुरुष द्वारा, तो क्या हो जाएगा, 5/y, इतना काम हो पाएगा, समझ आ रहा है बात। अब लिख देते हम लोग प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, 2 महिला और 5 पुरुष, 2 महिला और 5 पुरुष, तो 2 महिला मिलकर 2/x काम की, 5 पुरुष मिलकर के, दोनों मिलकर के यानी जुड़ करके, ठीक, कसीदों का काम साथ साथ एक दिन में पूरा कर सकते, सॉरी 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 दिन में। तो यही तो कॉमन सेंस लगाना, एक दिन का काम इतना, ध्यान से बोला एक दिन का काम इतना, तो 4 दिन का काम कितना, 4 से गुना, एक दिन का काम इतना, तो 4 दिन का काम कितना, 4 गुना इतना, ये कार्य ना है, किया गया कार्य, काम क्या वो करना था उसको, मात्र क्यों वो काम करना था, दोनों मिलकर एक ही काम कर रही थी ना, तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, 2/x + 5/y = 1/4, यह मेरा इक्वेशन आ जाता है, समझ आ रहा बात जी सर। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे, 3 महिला यानी कि 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y, 3 दिन में, तो ये क्या हो रहा था, 3 से गुना, एक दिन का काम इतना था, तो 3 दिन का काम 3 से गुना काम करना था, ये गुना कवरेज एरिया में, 3/x + 6/y
बराबर जो सट्टा सो बट्टा 1/3 क्वेश्चन नंबर आ गया सेकंड। और इस तरह का क्वेश्चन खूब किए हैं हम लोग, खूब बनाया है, याद है ना कि 1/x यहाँ भी छुपा हुआ, 1/y यहाँ भी छुपा हुआ, 1/x यहाँ भी छुपा, 1/y यहाँ भी छुपा हुआ। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर a एंड 1/y बराबर b, ये बात हम मान लेते हैं और समीकरण एक और दो में रख देते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो में 1/x बराबर a और 1/y बराबर b रखने पर रख देते हैं। तो 1/x के जगह पर रखते हैं हम लोग क्या चीज, a, क्या रखते हैं a, आगे क्या लगा था, 2 लगा था, 2 क्या हो गया, 2 प्लस 5b बन जाएगा ये ना, और बराबर में क्या है 1/4। चलो बराबर में क्या लिखते हैं हम लोग 1/4 को लिखकर इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं तो क्या हो जाता, 3 है, क्या हो गया ये 3a प्लस 6b बराबर 1/3 इक्वेशन नंबर बन गया 4। अब देखो इसको मार करेंगे तो बार क्या कैलकुलेशन है, इसी को ना करा देंगे, इसमें 3 से गुना, इसमें 2 से, तो ये कट जाएगा, 3 से गुना किए तो 6, 2 से गुना किए तो ये 6, और दोनों प्लस में तो माइनस कर देंगे इक्वेशन, ठीक है। समीकरण 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और माइनस कर देते हैं समीकरण 4 का मल्टीप्लाई 2 से, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 5 = 15, भी माइनस करना है तो माइनस ब्रैकेट में रखते हैं, इसमें गुना कर रहे थे 2 से 3 × 6, इसमें गुना कर रहे थे 2 से 6 × 12 भी बराबर, इसमें गुना क्या चीज से कर रहे थे 3 से, तो 3/4 माइनस इसमें गुना क्या कर रहे थे हम लोग 2 से, तो 2/3 यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, −6a − + −12b बराबर एलसीएम क्या दिया 12, 4×4 = 9, माइनस 3×3 = 12, 4×2 = 8, और देखो यहाँ से ही कट रहा है क्या, ये सही कट गया, और 15 में से अगर 12 गया तो 3 भी, और बराबर यहाँ से 1/12, ठीक है। दिस इम्प्लाइज b बराबर 1/36 बढ़ती है, 36 3/36 हो गया बट्टा, ठीक है, 1/ क्या आ गया 36 आ गया, और जगह का कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यहाँ पे काम, क्या यहाँ करते हैं। तो हमें निकल के आ चुका है b का वैल्यू, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हैं। समीकरण 3 में, समीकरण 3 से अच्छा होगा इसमें डालने पर, देखो 6 से कट जाएगा 36 ना, तो समीकरण 4 में पहले तो इससे भी आता b बराबर 1/36 रखने पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3a + 6b, तो b की जगह पर गुने 1/36 बराबर में 1/3, 6 × 6 = 36, 3a = 1/3 + इधर गया तो −1/6, 3a = एलसीएम क्या दिया 6 × 6 = 2 − 1, a = 1/6 × 3, इसलिए a = 1/18 आ गया, तो a का वैल्यू निकल के आ चुका है, b का वैल्यू निकल के आ चुका है, इस मान को लौटा देंगे ना, तो लिख देते हैं प्राप्त मान को लौटाने a और b के मान को लौटाने पर, लौटाने पर तो लौटा देते हैं तो क्या हो जाता है, तो माने थे कहा 1/x बराबर है, तो 1/x बराबर है बराबर कितना 1/18, दैट मींस x बराबर 18, समझा बात, 1/y बराबर b, b बराबर क्या था 1/36, यानी y बराबर कितना 36। तो हम लोगों को पता चल चुका है कि एक महिला उस काम को 18 दिन में करेगी, जबकि एक पुरुष उस काम को, सॉरी एक पुरुष कहते हैं, मतलब एक महिला द्वारा कशीदों का काम करने वाला का समय कितना 18 दिन और एक पुरुष द्वारा कितना 36 दिन, सही बोल रहे थे ना, हाँ। तो ये बात हम लास्ट में लिख देंगे, अतः करके है क्या नहीं, तो हम लोग यहीं पर लिख देते जगह की कमी है, अतः लास्ट में लिख देंगे हेंस करके, एक्स के जगह पर कितना दिन आया था 18 दिन में कस देगा काम को, जबकि पुरुष 36 दिन में काम को कस देगा, और यही समय हो जाएगा, तो नोट कर लो इसको,